नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में 21 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज संडे का दिन था और संडे के दिन डबल हेडर दो मुकाबले थे और संडे का दिन काफी अच्छा हुआ है। पहला मुकाबला जो कि खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था, एक तरफा मुकाबला था जिसमें मुंबई इंडियंस 29 रन से जीती। और दूसरे मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो 21वां मुकाबला था जो कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेज जीटी के बीच में। इसमें 33 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। तो दो मुकाबले थे और दोनों मुकाबलों में केवल मैंने एक मुकाबला कवर किया था। इस मुकाबले का अगर नाम आप जानना चाहते हो तो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में यह मुकाबला था। आईपीएल का मैच नंबर 21वां T20 था। दो मुकाबले होने के बावजूद भी हमारी जो अपडेट थी रात वाले मैच में जो कि 7:30 बजे खेला जाता है, आपको देखने को मिलता है हर दिन, उस मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ की टीम और गुजरात की टीम दोनों आपस में लड़ी थी। इस मुकाबले में पूरा का पूरा मार्केट लखनऊ सुपर जायंट्स। एक छोटा टारगेट था, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, जो कि लखनऊ ने 163 रन का टारगेट दिया था उसके जवाब में 130 रन पर ही ऑल टीम हो चुकी है 18.5 ओवर में ही। गुजरात के साथ थी इस मुकाबले में। अंडर 35 पैसे 40 पैसे का रेट था गुजरात का। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार मतलब अच्छे तरीके से हिटिंग कर रही है, जो छोटा टारगेट है बड़ी आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यही बोला कि भाई जीतेगा अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगा। देखो ये बात तो गई, रात गई, बात गई, बात खत्म करते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के 22वां मुकाबला जो कि कल खेला जाना है चिदंबरम स्टेडियम में। अगर मैं रेट की बात करूं तो 95.96 का रेट है। इस मुकाबले में चेन्नई फेवरेट है। चेन्नई को क्यों फेवरेट किया जा रहा है? चेन्नई का ही होम ग्राउंड है और चेन्नई देखो एक बड़ी टीम है, पिछले साल कप भी जीत कर आई है। चेन्नई का क्राउड बहुत बड़ा क्राउड है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, इसलिए चेन्नई को थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन दिया जा रहा है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं दिया जा रहा है। इस साल अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं तो इनकी बल्लेबाजी और इनकी बॉल गेंदबाजी बहुत अच्छी नजर आ रही है। इनका विजयी रथ कोई भी नहीं रोक पा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। चाहे वो रसल हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो मैं किसी भी प्लेयर का नाम ले लूं, सारे के सारे प्लेयर्स टच में नजर आ रहे हैं। इस साल ये जीत रहे हैं और बैक टू बैक जीत रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस टीम कर रही है। तो ये कड़ा मुकाबला हो सकता है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो कि कल 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। रेट बिल्कुल बराबर का रेट चल रहा है, 19-20 का भी अंतर नहीं है। ना तो आप ये बोल सकते हो कि कोलकाता की टीम फेवरेट है, ना ये बोल सकते हो कि चेन्नई की टीम फेवरेट है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो देखो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि हमारा जो विजय रथ है कंटिन्यू चल रहा है, जीत का रथ बिल्कुल चल रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हो कि आज जो मुकाबला था, आप लोग जो नए लोग आते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात का मुकाबला था मैच नंबर 21वां जो कि विनर मैंने दिया था। आप लोग देख सकते हो 7:14 पर ही मैंने अपडेट कर दिया था कि इस मुकाबले का विनर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, आप लोग ध्यान से सुनो। जितना फाड़ सकते हो, जितना तोड़ सकते हो, जितना मरोड़ सकते हो मरोड़ देना। 80 पैसे गुजरात की टीम फेवरेट है ऑन द बोर्ड, तो जितना खा सकते हो खा लेना। और 65-70 पैसे जब दो विकेट गिरे थे ना, तब गुजरात की टीम फेवरेट थी। तभी मैंने अपडेट करा दी थी कि काका राव और अपनी टीम लखनऊ के नवाबों को प्लस करो, लखनऊ के नवाब जीतेंगे मुकाबला। तो जितना कमा सकते हो कमा लेना, पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए लखनऊ पर, वो भी नॉन कटिंग। अरे काय का कटिंग भाई, कोई पैसे ऐसे जहां पे 30-20 पैसे लग भी जाए ना लखनऊ, तभी भी डरना नहीं है, नॉन कटिंग जीतेगा अपनी टीम। बस पूरा पैसा अंदर आना चाहिए। भैया बोलोगे कि काम होता है क्या नहीं होता, अंडर 3-4 पैसे का भाव चल रहा है और अपनी टीम बोर्ड पर फेवरेट नजर आ रही है, तो लॉस कट बुक सेट करके भैया मूड के सो जाओ, आराम से चैन की सो जाओ, लॉस कट बुक सेट भी हो जाएगा आपका। 3-4 पैसे का भाव चल रहा है, अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स फेवरेट चल रही है। आप बोलोगे धमकी भी छोड़ पे दिया था और ये बोला था मैच स्टार्ट होने से पहले और जब गुजरात फेवरेट था कि मां जोत देना बुकी, खत्म मैच है आज, जितना खा सकते हो, नॉन कटिंग मैच है आज, और नॉन कटिंग धमकी की चोट पे अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जीत रही है। तो सुन लिया होगा आपने, जब मैच स्टार्ट हुआ था उससे मैंने क्या बोला था, पहले बुकी खत्म मैच है, मरोड़ देना, तोड़ देना, फोड़ देना, आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगा। किसी का बाप की दम नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स को रोक पाए, और लखनऊ सुपर जायंट्स जीता है। और ऐसा नहीं है इस मुकाबले में गुजरात फेवरेट ना आया हो, गुजरात 40 पैसे ऑन द बोर्ड 35 पैसे मैंने देखा था फेवरेट था स्टार्टिंग में, क्योंकि 163-164-165 रन का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं होता है, उसके बावजूद भी गुजरात फेवरेट था। तो मैं सिर्फ यहीं बोलूँगा कि काम अपना अच्छा चल रहा है। अगर सभी भाइयों से मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देखो कोई भी भाई हो, अगर आप लोग हमारे चैनल का नाम नहीं जानते तो भाई चैनल को ज्वाइन कर लो। आप लोग क्या है चैनल का नाम, ऑलराउंडर फैमिली। करना कुछ नहीं है, जहाँ पे आप वीडियो देख रही हो उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे चैनल पे आ जाओगे, आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप लोग हमारा चैनल सर्च करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाओ और टेलीग्राम पे ऑल RONDER फैमिली FAMILY फैमिली डाल देना, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन कर देना, ठीक है। ये डालने के बाद जैसे आप हमारा चैनल का नाम डालोगे ऑलराउंडर फैमिली, वैसे ही नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, तो वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन करना है। आप लोगों को जैसे ही ज्वाइन करते हो आप हमारे चैनल पर आ जाओगे सीधे, सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको भी पता है मैच का टाइम होता है 7:30 बजे। अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ 2:03 पे, काफ़ी बड़ा समय है, ऊपर नीचे होकर कोई भी टीम हार सकती है, कोई टीम जीत सकती है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। 7:30 बजे अगर कोई भी टीम की अपडेट आएगी मेरे पास कल के मुकाबले की, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सभी भाई मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात सभी भाइयों से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सभी भाई देखो वीडियो देखते हैं, मैच का विनर लेते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सभी भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ कि सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंचने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को, गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च कर लो ऑलराउंडर फैमिली। जैसे ही ऑलराउंडर फैमिली डालोगे नीचे एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही आपने एक बार क्लिक करा तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल पर आ जाओगे, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आओगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है ऑलराउंडर फैमिली के नाम से। जिस चैनल पे वीडियो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसी चैनल के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, वो सब्सक्राइब कर लेना। सभी भाइयों को सब्सक्राइब करना है, सभी भाइयों को, मेरे जितने भी छोटे और मेरे बड़े भाई हैं सभी भाइयों को सब्सक्राइब कर चलना है। जैसे ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। अब ये बातें सारी हो गई हैं, अब मैं करता हूँ मैच के रिगार्डिंग बात। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी चीज़ें बताऊँगा, हेड टू हेड के बारे में बताऊँगा, पॉइंट टेबल के बारे में बताऊँगा। तो पॉइंट टेबल के नज़रिए से देखा जाए तो चौथे स्थान पर बैठी है सीएसके की चीन, 4 मुकाबले खेली है 2 मुकाबले हारी है, ठीक है। और वहीं पर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूँ तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार दूसरे पायदान पर बैठी है, 3 मुकाबले खेली है, 3 मुकाबले जीती, 1 मुकाबला भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है कोलकाता का, राजस्थान का, जो कि भाई अपने एक भी मुकाबले नहीं आ रही हैं और बॉटम पे बैठी हैं टीम पर, मतलब टीम के सबसे पॉइंट टेबल के सबसे ऊपर स्थान पर बैठी हैं राजस्थान की टीम, और दूसरे नंबर पर बैठी है KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो यहाँ पे बड़ा मार्जिन हो सकता है चेन्नई सुपर किंग के लिए। चेन्नई सुपर किंग का गढ़ जरूर माना जाता है चिदंबरम स्टेडियम का ग्राउंड, लेकिन ये बड़ा मुकाबला हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, पिछले 10 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं तो 7 बार जीती है चेन्नई की टीम और 3 ही बार जीत पाई है कोलकाता की टीम। तो यहाँ पे परला बड़ी तेज से नजर आ रहा है मुझे चेन्नई सुपर किंग की तरफ झुकता हुआ, क्योंकि जब जब टीम लड़ती है तो चेन्नई का परला भारी नजर आता है। पिछले 10 मुकाबलों में 7 बार जीती है, तो 7 बार जीतना और 3 बार कोलकाता का जीतना, तो बड़ा फर्क महसूस होता है मुझे। लेकिन मैं आपको रिसेंटली 2 मुकाबले बताता हूँ, मैच नंबर 61वां जो कि भाई 2023 में खेला गया था, KKR जीता था। मैच नंबर 33वां जो कि भाई 2023 में खेला गया था, उसमें CSK जीता था। तो पिछले 2 मुकाबले अगले साल खेले गए थे, तो 1 मुकाबला जीता था KKR, 1 मुकाबला जीता था CSK, तो बराबर का मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है इस बार। लेकिन रेट की अगर देखा जाऊं तो रेट बड़ा काफ़ी अच्छा नज़र मुझे आ रहा है, 94-95 पैसे का। तो इस मैच का विनर कौन हो सकता है, चेन्नई सुपर किंग या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स फिर से अपना विजयी रथ चालू रखेगी। देखो चेन्नई सुपर किंग का गढ़ माना जाता है, शिवम दुबे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर गायकवाड का बल्ला चलता है, और शिवम दुबे का तो बल्ला चल ही रहा है, तो इसका बल्ला अगर चल गया तो चिदंबरम स्टेडियम एक अच्छा स्कोर मिलेगा आपको चेस करते हुए देखने को मिलेगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। अगर फर्स्ट बैटिंग पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, अच्छे खासे रन मार देती है, उसके बाद बॉलिंग इतनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चेन्नई सुपर किंग की, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छी नहीं है बॉलिंग, महेश पथिराना बॉलर नहीं है उस टाइम पे इनके पास, तो जो बॉलिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक नज़र आ रही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए नरेन का फॉर्म अच्छा नज़र आ रहा है, रसल का फॉर्म अच्छा नज़र आ रहा है, रिंकू सिंह हैं ही बहुत अच्छे, और नितेश राणा, बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है, बॉलिंग से ले लो बैटिंग से ले लो, तो दोनों कॉम्बिनेशन को अगर मैच खाती है तो पॉइंट टेबल आप देख सकते हो कि दूसरे स्थान पर बैठी है कोलकाता नाइट राइडर्स, 3 मुकाबले खेल कर आई है, 3 मुकाबले जीती है बैक टू बैक। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो सकता है चेन्नई सुपर किंग के लिए ये मुकाबला जीतने का। तो लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा
अगर मुझे कुछ विनर देना होगा इस मुकाबले का तो मैं यही बोलूँगा कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आप लोग जा सकते हो। 94-95 पैसे का रेट है, इसका फ़ायदा उठाओ। जब जब चेन्नई सुपर किंग फेवरेट मिले खाकर आओ और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच में प्लस करो। मुझे लग रहा है कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स अपना चौथा मुकाबला जीत कर एक तरीके से विजय रथ पे बैठ के रखेगी अपने आप को, और यहीं पे चेन्नई सुपर किंग अपना दूसरा मुकाबला बैक टू बैक हारेगी। मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो भाई कल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग हार रही है और यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला जीत रही है। बस इतना ही बोलूँगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैच के टाइम तक, टॉस के बाद तक, तो 7:30 बजे मेरी और आपकी मुलाकात मेरे चैनल ऑलराउंडर फैमिली टेलीग्राम पर होगी, फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक। तब तक के लिए सभी भाई ख्याल रखो, मेरे अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स कल का मुकाबला जीत रही है। कल के दिन मिलते हैं हमें और आप।